हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है बैकलैश के बाद का सबसे पहला स्मैकडाउन, एंड ये कोई पेपर व्यू से कम नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, एक काफी बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला है, सेथ रॉलिंस का अपोनेंट पता चलने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल, वो एक काफी बड़ा ड्रीम मैच जो कि हमें देखने को मिलने वाला है एज वर्सेस रे मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच। सो गाइस, आप सब देख ही सकते हो ये मैच कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है, बट आप सबको बता दूं ये कोई नॉर्मल मैच भी नहीं होने वाला, यानी कि ये रहने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच, और जो भी यहां पर जीतेगा वो आगे एडवांस कर जाएगा टूर्नामेंट में। वही बात कर ली जाए यहां पर जीत कौन सकता है, देन सबसे पहले तो भाई ये मैच काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और ज्यादा चांसेस एज या फिर एजे स्टाइल्स के रहेंगे। और अगर एजे और एज में भी देखा जाए देन एजे के थोड़े ज्यादा चांसेस इसलिए रहेंगे बिकॉज एज के साथ शायद से कुछ इशू हुई थी लास्ट ईयर, इसलिए वो सऊदी अरबिया के इवेंट में नहीं गए थे। सो मे बी इस ईयर अगेन वो हमें सऊदी अरबिया नहीं जाते हुए दिख सकते, लेकिन हाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बात है तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एज के भी चांसेस है लेकिन थोड़े ज्यादा चांसेस एजे स्टाइल्स के है। और इसके बाद जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का सेकंड मैच होने वाला है वो है सेमस वर्सेस लेस्ली वर्सेस थ्योरी के बीच। सो ये भी भाई काफी अच्छा खासा मैच होने वाला है और इस मैच में बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि किसकी जीत होने वाली है। और ऑस्टिन थ्योरी US चैंपियन है इसलिए लेस्ली या फिर सेमस में से किसी का चांस बन रहा है, लेकिन WWE हमें कुछ सॉकर भी देते हुए दिख सकती है और मे भी हो सकता है यहाँ पर हमें थ्योरी भी जीतते हुए दिख जाए बिकॉज आप सबको पता ही है जो भी इन दोनों ट्रिपल थ्रेट मैचेस को जीतेगा वो स्मैकडाउन में मेन इवेंट में एक दूसरे को फेस करने वाला है, और जो भी वहां पर जीतेगा वो चले जाएगा सेथ रॉलिंस को फेस करने के लिए फाइनल्स में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। और इन छह स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स में थ्योरी एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि एक हील है, इसलिए अगर WWE हील वर्सेस फेस के कॉन्सेप्ट से जाना चाहेगी देन सेथ रॉलिंस वर्सेस थ्योरी का मैच हो सकता है फाइनल्स में, लेकिन हाँ मुझे लगता है सेथ वर्सेस एज या फिर सेथ वर्सेस एजे स्टाइल्स के ही ज्यादा चांसेस रहेंगे। वैसे आप क्या चाहते हो फाइनल्स में हमें सेथ रॉलिंस का मैच किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिले, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल वर्सेस बेली एंड डकोटा काई के बीच। तो इस मैच में ज्यादा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अगर न्यू चैंपियंस क्राउन हो भी जाती है तो भी भाई क्या ही कुछ बड़ा हो जाएगा, इसलिए WWE किसी को भी यहां पर जिता सकती है, ज्यादा चांसेस है कि टाइटल चेंज हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिया रिपली के बारे में। सो जैसा कि लास्ट टाइम की तरह स्मैकडाउन के सुपरस्टार के पास रॉ की चैंपियनशिप आ चुकी है और रॉ के सुपरस्टार के पास स्मैकडाउन की चैंपियनशिप, इसलिए ये दोनों टाइटल में स्वैप करते हुए दिख सकती है और इस वीक के स्मैकडाउन में मे भी हो सकता है ये चीज आप सबको देखने को मिल जाए। और फाइनली जिस थिंग को WWE ने कंफर्म कर दिया जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो है रोमन रेंस का रिटर्न। देन जैसा कि आप सबको पता ही है रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद पहली बार हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले हैं, और इसका रीजन यही है कि WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू नाइट ऑफ चैंपियंस का रोमन रेंस पार्ट रहने वाले, तो वो फिर से रेगुलर हो चुके हैं WWE में। वही बात कर ली जाए कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें उनसे रिलेटेड क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सो WWE ये एडवर्टाइज कर रही है कि रोमन रेंस एक पर्पस से अपना रिटर्न कर रहे हैं और वो पर्पस है ब्लड लाइन, यानी कि जो भी ब्लड लाइन के बीच इशू चल रही है उसे हमें रोमन रेंस सॉल्व करते हुए दिख सकते हैं। वहीं बात रही रोमन रेंस के नाइट ऑफ चैंपियंस के अपोनेंट्स की, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे फैंस लेस्ली या फिर एजे स्टाइल्स में से कोई होने वाला, लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है वो दोनों मौजूद रहने वाले क्वालिफाइंग मैच में, तो क्या रोमन रेंस को कोई और ही सुपरस्टार चैलेंज करने वाला है, वो तो भाई सभी के मन में डाउट है। लेकिन एक और काफी बड़ा सॉकर WWE पुल करते हुए दिख सकती है और वो ये है रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का मैच ही हमें देखने को मिल जाए नाइट ऑफ चैंपियंस में। जैसा कि आप सबको पता ही है जे उसो एंड रोमन रेंस की हम सबने काफी कमाल की फ्यूड देखी थी जहां से रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है अब फिर से जे उसो की काफी लंबे टाइम से इशू चल रही है रोमन रेंस के साथ, तो मे भी हो सकता है WWE इनके बीच हमें फिर से मैच करवाते हुए दिख जाए। और चांसेस थोड़े इसलिए भी बन रहे बिकॉज नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस के कंप्लीट होने वाले 1000 days एज यूनिवर्सल चैंपियन, तो जिस थिंग से ट्राइबल चीफ की स्टार्टिंग हुई थी वही चीज अगर 100 days कंप्लीट करने के वक्त हमें देखने को मिलती है देन वो स्पेशल लगेगा। और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा दोनों मिलकर हमें उसोस पर करते हुए दिख सकते हैं अटैक, नहीं तो फिर रोमन रेंस के सामने कोई और ही चैलेंजर आने वाला है और ब्लड लाइन आने वाली है सेम पेज पर। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना इतनी सारी चीजों में आप इस वीक के
स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।